नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 5 जिलों में होगा आरओबी का निर्माण। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, लू की बनी स्थिति। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 86 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बिहार में नोटा का ऑप्शन चुनने वाले लोगों की बढ़ी संख्या। आईपीएल 2024 में पंजाब टीम की गुजरात पर हुई शानदार जीत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 5 जिलों में आरओबी का होगा निर्माण। बिहार के 5 जिलों में आरओबी का निर्माण किया जाएगा। राज्य में 6 आरओबी के लिए 391 करोड़ की राशि को जारी किया गया है। पटना, औरंगाबाद, लखीसराय और मुजफ्फरपुर जिले में एक एक आरओबी को बनाया जाएगा। बक्सर जिले में 2 आरओबी का निर्माण होगा और इसका मकसद है कि वाहनों के आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। आरओबी का निर्माण हो जाने से ट्रेन के गुजरने के दौरान वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। बताया जाता है कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में इन आरओबी का निर्माण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 86 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 86 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में मतदान होगा। बताया जाता है कि किशनगंज में कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सबसे अधिक भागलपुर में 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कटिहार में 20, बांका में 19 और पूर्णिया जिले में 11 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। किशनगंज में मौजूदा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू की ओर से मुजाहिद आलम को टिकट दिया गया है। इधर भागलपुर में कांग्रेस का विधायक अजीत शर्मा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इनकी टक्कर जदयू के सांसद अजय मंडल से होगी। नवादा और भोजपुर में नए डीएमएसपी की नियुक्ति। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। भोजपुर और नवादा के जिलाधिकारी और एसपी को हटा दिया गया और साथ ही इन्हें चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में तैनात करने पर रोक लगाया गया और इसके बाद अब इन दोनों ही जिलों में नए डीएम और एसपी को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों जिलों के एसपी और डीएम की नियुक्ति कर दी है। महेंद्र कुमार भोजपुर के नए डीएम होंगे, वहीं नीरज कुमार सिंह भोजपुर के नए एसपी होंगे। प्रशांत कुमार सीएच के नवादा के नए जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई है। कार्तिकेय के शर्मा को नवादा का नया एसपी बनाया गया है। बिहार में कुल 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आरा के जिलाधिकारी रह चुके राजकुमार को समाज कल्याण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं नवादा के डीएम रह चुके आशुतोष वर्मा को बिहार राज्य बीज निगम का एमडी नियुक्त कर दिया गया है। आशुतोष कुमार को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। सूचना जारी कर इससे संबंधित आदेश को दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कई विश्वविद्यालयों में जमा राशि को ली वापस। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। यहां विश्वविद्यालय के पीएल खाते से राशि को वापस ले लिया गया है। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के अपर मुख्य सचिव ने पहली बार इस तरह की कोई कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने एक साथ कई विश्वविद्यालयों की जमा राशि को वापस ले लिया है। पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की राशि को वापस लिया गया है। इधर खाता संचालन पर रोक से विश्वविद्यालय के परीक्षा के संचालन में परेशानी हो रही है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इस संबंध में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की है और साथ ही विश्वविद्यालय के पीएल खातों सहित अन्य बैंक खातों पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। बिहार में नोटा का ऑप्शन चुनने वाले लोगों की बढ़ी संख्या। बिहार में नोटा का ऑप्शन चुनने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। बताया जाता है कि जहां उम्मीदवारों की संख्या अधिक है वहां नोटा को कम वोट पड़े हैं। वहीं अगर कहीं उम्मीदवारों की संख्या कम है तो नोटा को अधिक वोट पड़े हैं। साल 2014 की बात करें तो साल 2014 में नोटा को सबसे कम वोट मधुबनी जिला में पड़े थे। ये संख्या 2.20% का था। वहीं समस्तीपुर में इसकी संख्या सबसे अधिक 3.38% रही। साल 2019 में गोपालगंज में नोटा पर सबसे अधिक वोट पड़े और ये संख्या
5.03% की थी। साल 2019 में नोटा को पड़ने वाले वोट में पश्चिम चंपारण 4.51% वोट के साथ दूसरे नंबर में था, जबकि औरंगाबाद जिले में इसका प्रतिशत सबसे कम 2.4 था। कहते हैं कि चुनाव में नोटा को सबसे अधिक वोट तब पड़ते हैं जब किसी को प्रत्याशी पसंद नहीं आते हैं। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी के आदेश को पलटा। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी के आदेश को पलट दिया है और इंस्पेक्टर को जबरन रिटायर करने के मामले को अवैध घोषित कर दिया है और इसके अलावा राज्य सरकार को तत्काल ही पीड़ित इंस्पेक्टर को विभाग में ज्वाइन करवाने का आदेश दिया है। उन्हें लाभांश देने का भी आदेश दिया गया है। दरअसल शराब कांड में आरोपी को नहीं पकड़ने के आरोप पर अविनाश सिंह को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने सेवानिवृत्त कर दिया था। ये मामला साल 2020 का है। वहीं अब हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेश को अवैध करार दिया है और इंस्पेक्टर को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, लू की बनी स्थिति। बिहार में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लू की स्थिति बन चुकी है। राज्य के 9 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। इसमें उष्ण लहर के साथ ही लू की स्थिति बनी रही। राजधानी पटना में हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है। बक्सर जिले में तापमान 42 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। आज राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास है। दक्षिण सहित उत्तर बिहार के जिलों के तापमान में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। वहीं 7 और 8 अप्रैल को दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबूंदी और बादल छाए रहने की आशंका है। इसके बाद तापमान में कमी हो सकती है। बिहार कैडर के 16 आईपीएस अफसरों पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई संभव। बिहार कैडर के 16 आईपीएस अफसरों पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने अभी तक प्रशासन को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसे लेकर गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा है। साथ ही इन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि इससे पहले कुछ अधिकारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा दे दिया था। इसमें डीजीपी आरएस भट्टी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक समेत अधिकारियों के संपत्ति की जानकारी शामिल थी। इन्होंने अपने संपत्ति के ब्यौरे को सार्वजनिक कर दिया था। गया में 1 करोड़ से अधिक रुपए के साथ पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने पर ईसीआई एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गया में 1.09 करोड़ रुपए के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान गया से कोलकाता जा रही एक बस से पुलिस ने रुपए को जब्त किया है। साथ ही गिरफ्तार 3 लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि ये तीनों लोग गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी ले रही है। इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तार लोगों के घर पर तकनीकी शाखा की टीम ने परिजनों से पूछताछ की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की आज से होम वोटिंग शुरू। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की होम वोटिंग आज से शुरू हो गई है। इसे लेकर पहले ही सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी और इसके लिए पंजीयन कराने के साथ ही मतदान केंद्र पर नहीं आने का कारण बताना होता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। 85 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांग लोगों के लिए घर से मतदान की सुविधा को बढ़ा दिया गया है। मतदान को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इस चीज को शामिल किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा के पहले चरण में घरेलू मतदान के लिए 27 मार्च को पंजीयन करना था। गोपालगंज में नेपाली करेंसी के साथ पश्चिम बंगाल के 3 नागरिक गिरफ्तार। गोपालगंज में नेपाली करेंसी के साथ पश्चिम बंगाल के 3 नागरिक गिरफ्तार हुए। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से अलग अलग कंपनियों के 8,774 सिम कार्ड को बरामद किया गया है। ये सभी इन सिम कार्ड को लेकर नेपाल के काठमांडू में सोनौली बॉर्डर के रास्ते जाने वाले थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और इसी बीच इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल गिरफ्तार साइबर साथियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एमएलसी संजय सिंह ने के पाठक को लेकर शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र।
एमएलसी संजय कुमार सिंह ने केके पाठक को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को पत्र लिखा है। राज्य में स्कूलों की टाइमिंग का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जा रहा है। 1 अप्रैल से स्कूलों के मॉर्निंग नहीं किए जाने पर एमएलसी ने चिंता जाहिर की है। साथ ही शिक्षा मंत्री से अपील की है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की मनमानी पर रोक लगाई जाए। एमएलसी ने कहा है कि बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए स्कूलों को मॉर्निंग करने का आदेश जारी किया जाए। मालूम हो कि राज्य में स्कूलों की टाइमिंग 9 से 5 है। एमएलसी ने समय में बदलाव की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लालू यादव ने पूछे सवाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई से चुनाव प्रचार का बीते दिन शंखनाद किया। जमुई से लोकसभा प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने लैंड फॉर जॉब मामले में तंज कसते हुए कहा कि ये लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं, ये बिहार का भला क्या करेंगे। इस पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक कविता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर पीएम मोदी से सवाल किए हैं। राजद सुप्रीमो ने लिखा है कि मोदी सरकार झूठ का कारोबार कर रही है, इतिहास को लेकर झूठ बोला जा रहा है, भ्रष्टाचार पर झूठ बोला जा रहा है, आखिर क्यों इतना झूठ बोला जा रहा है। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती का बयान, पप्पू यादव कोई चुनौती नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। यहां की जनता लालू यादव और तेजस्वी यादव को देखकर मतदान करेगी। जनता का प्यार मिल रहा है और महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बीमा भारती ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पप्पू यादव जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। पूर्णिया की जनता उनकी असलियत समझ चुकी और जनता फैसला करेगी। आईपीएल 2024 में पंजाब टीम की गुजरात पर हुई शानदार जीत। आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस पर शानदार जीत हासिल की है। शशांक सिंह ने एक बेहतरीन पारी खेली है। आशुतोष शर्मा ने शशांक सिंह को एक बेहतरीन साथ दिया। टीम ने 200 रन का लक्ष्य हासिल किया था। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। इसमें शशांक सिंह की भूमिका काफी अहम है। इन्होंने 26 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। वहीं इस बेहतरीन पारी के बाद शशांक सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अभी भी विश्वास करने की कोशिश में हूँ, अपने प्रयास पर गर्व हुआ है। पिच के साथ ही इस पर उछाल भी काफी अच्छी रही। मालूम हो कि आईपीएल 2024 में आज सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत होने वाली है। आपके अनुसार आईपीएल 2024 में आज सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद में किस टीम की जीत हो सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, सदुल्ला पालवी, गुनर शर्मा, मोहम्मद शकीर हुसैन, नवलकिशोर झा, राजेश मांझी, संघर्ष कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद अरमान, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके अनुसार बिहार में अभी अप्रैल के महीने में स्कूलों की क्या टाइमिंग होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।